स्वागत तो करो हमारा, कमाल करते हो। कैसी लगी फिल्म? जो है फर्स्ट पार्ट जो जिन्होंने देखा उनको सेकंड पार्ट अच्छा नहीं लगा रहेगा, और जो सेकंड पार्ट देखा है तो उनको थर्ड पार्ट अच्छा नहीं लगा रहेगा, मगर तीनों पार्ट, तीनों फिल्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही अच्छा है। देखो चश्मा एक नहीं है और दूसरा भी मिल गया, देखो इसको बोलते कलयुग। अच्छा, जाना चाहूँगी स्टोरी कैसी लगी और शुल्बुल पांडे कैसे? शुल्बुल पांडे, अभी मैं आपको बताता हूँ शुल्बुल पांडे के बारे में। शुल्बुल पांडे जो है वो स्टार्टिंग में भी वैसे ही थे, सेकंड पार्ट में भी वैसे ही है, और थर्ड पार्ट में थोड़ा सा अलग हो गया शुल्बुल पांडे। तो उसमें एक डायलॉग है, स्वागत तो करो हमारा, कमाल करते हो पांडे जी। कितनी तालियां आपने बजाई? हम तो बजा रहे थे मगर दूसरे भी बजा रहे थे साथ में हमारे, इसलिए हम भी कंफ्यूज हो गए, बोले हम बजाएं और वो भी बजाएं तो कैसा चलेगा। तो एक ही जंग बजाए, देखो ये भी आ रहे हैं, आ जाओ नहीं आना चाहते, देखो सलमान भाई से डर रहे सब लोग, इसलिए कोई आ नहीं रहा है फ्रेम में। तो ये है जो थर्ड पार्ट अच्छा है फिल्म का, आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फैमिली एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी भी है, फाइटिंग भी है, सब कुछ है, ठीक है। और एक मैं डायलॉग बोल देता हूँ, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले और हवा कहाँ से छोड़े। हाँ ब्लॉकबस्टर जाएगी, और मैं एक स्टेप भी बता देता हूँ हुड़ूर दबंग का, लीजिए ये स्टेप है, ये वाला फर्स्ट में था, ये वाला सेकंड थर्ड पार्ट। फाइनली हमारे चुल्बुल पांडे आ गए हैं, उन्होंने बोला स्वागत तो करो, कितना स्वागत किया? स्वागत एकदम चिल्ला चिल्ला के किया, गला फाड़ के किया, सर्दी खांसी बुखार था, फिर भी अहमदाबाद से फिर से आ गए हैं भाई को स्वागत करवाने, मज़ा आ गया भाई, दिल जीत लिया फिर से, इनसेन मैडनेस और मसाला लाए भाई इस बार, मज़ा आ गया, बहुत बहुत मजा आ गया। अच्छा कितनी सीटियां, कितनी तालियां बजाई? मैं तो खुद, हम लोग तो डांस कर रहे थे अंदर, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, अमेजिंग, मतलब भाई का डांस एज ऑलवेज पट्टे होते हैं और मजा आ गया। अच्छा एक्शन सीन, क्योंकि उसका बेसब्री से इंतजार। एग्जैक्टली, तो क्लाइमेक्स था जो दबंग 1-2 का था, थर्ड ने फाड़ दिया है, कीचू को जो मारा है बाली को, मतलब आगे भाई के अली पीछे बजरंग बली, तो क्या करेगा बली, मतलब पट्टे, बहुत सही था एक्शन भी। अच्छा, मजा आ गया। चुल्बुल पांडे के पहला प्यार खुशी है और रज्जो है, तो हाँ, किसके साथ ज्यादा जोड़ी अच्छी लगी? पर्सनल फेवरेट रज्जो ही रहेगी, थप्पड़ से डर नहीं लगता अगर वो है, बट साई जिन्होंने एक्टिंग किया है, शी वॉज रियली गुड, महेश मांजरेकर की डॉटर है, सो उनका काम बहुत अच्छा था, एंड शी लुक रियली क्यूट इन द मूवी, सो वील बी लविंग हर टू सी आगे मूवीज में, एंड बहुत मजा है उनका भी रोल देख के। स्टोरी के मामले में, डायरेक्शन के मामले में कैसी लगी? स्टोरी डायरेक्शन के मामले में मेरे को थोड़ा ओकेश लगा, बिकॉज भाई का स्टार पावर था तो मूवी चल रही थी, स्टोरी एंड को देखना अच्छा लग रहा था। एग्जैक्टली, भाई जब भी आ रहे थे इट वाज लाइक हैप्पी, एंड द होल स्क्रीन वाज यू नो ऑन फायरी मोड, बट स्टोरी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, इंट्रिगिंग, बीच बीच में ऐसा लग रहा था डल पड़ रहा है, बट जैसे ही भाई आते थे कॉमेडी होता था, एंड ये फाइटिंग सीक्वेंसेस होते थे, एंड डांस, भाई का डांस इज इनसेन, मतलब प्रभु देवा के साथ उन्होंने जो डांस किया है, 2-3 स्टेप किए हैं वो, मतलब हम भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे किए हैं, मतलब बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जानना चाहूँगी मैं आपसे कि आपको लगता है फिल्म जैसे आपने देख लिया तो धमाल मचाएगी बॉक्स? धमाल ज़रूर मचाएगी, थोड़ा बहुत जो नॉर्थ इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया भी चल रहा है, उसके वजह से आई गेस थोड़ा डिप होगा, बट आई गेस अराउंड 150-200 करोड़ के बीच में तो हो जाएगा कलेक्शन, या एब्सोल्युटली। जाते जाते 5 में से कितना देंगे? जाते जाते भाई के लिए 9 स्टार, 100 स्टार भी कम है भाई के लिए, मतलब इतने बड़े सुपरस्टार को कोई स्टार नहीं दे सकते, स्टिल फैमिली एंटरटेनर है, एज अ मसाला मूवी, साउथ इंडियन मूवी को हम लोग बोलते हैं, ये सारे साउथ इंडियन मूवी के ऊपर भारी पड़ सकती है, ऐसा है, मसाला मूवी है, मज़ा आ गया, एंड 5 में से 5 स्टार। लव यू भाई, लव यू, एंड हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच।
तो इस वक्त हमारे साथ हैं सलमान खान के बहुत बड़े फैन, वो आइए उनसे जानते हैं कि वो कितने बड़े फैन हैं और कैसी लगी उनको दबंग 3। तो पहले बताइए कितने बड़े फैन हैं आप? बहुत बड़े, मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, जैसे बताइए कैसे? क्योंकि मैं उनका बर्थडे भी आ रहा है 27 दिसंबर को, तो मैं तो उनको बैंड स्टैंड जाऊँगा इनको विश करने, और मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और कैसी लगी फिल्म बताइए आप? अच्छी है, इसका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा है फर्स्ट हाफ से। बेस्ट है एटमॉस्फियर मूवी का, थिएटर में एटमॉस्फियर था, मतलब सीटियां तालियां सब कुछ, नाचे सब नाचे। कौन सी यू नो डायलॉग पे बहुत ज्यादा सीटियां तालियां आप लोगों ने बजाई? क्लाइमैक्स पे बहुत लोग नाचे और मुन्ना बदनाम सॉन्ग पे बहुत लोग डांस किए। आप लोग ने डांस किया मुन्ना बदनाम? हम लोग ने सबसे ज्यादा इसने डांस किया। तो अभी करके दिखाएंगे, एक दो स्टेप करके दिखाइए प्लीज। ये नाचेगा कम ऑन पंडित, एक जन डांस कीजिए, आप सब को ज्वाइन कीजिए। बस यार ये सब स्टेप्स। ओके, डायरेक्शन कैसा लगा डायरेक्शन प्रभुदेवा का? अच्छा है, बीच में थोड़ा बोरिंग हो जाता है मूवी, लाइक फर्स्ट हाफ के एंडिंग के वर्ड्स, बट सेकंड हाफ में वापस मतलब गेन हो जाती है, बेटर हो जाता है। और अगर मैं बात करूं, सई मंजरेकर ने डेब्यू किया है, तो सलमान खान किसके साथ अच्छा लगे थे, खुशी के साथ या फिर अज्जो के साथ? खुशी के साथ, ऑफ कोर्स खुशी के साथ। क्यों? क्योंकि वो यंग है और थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, क्यूट है वो। कोई भी चलता है, सलमान खान के साथ सब अच्छा लगे। धमाल मचाएगी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आपको लगता है? वीकेंड में तो सबसे ज्यादा मूवी है, वीकेंड में सबसे ज्यादा सलमान खान की मूवी कमाएगी, तो मचाएगी, फुल कमाएगी सलमान। तो जाते जाते लोगों को रेकमेंड कर दीजिए फिल्म देखने की। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वन टाइम वॉच मूवी है, और अपने फैमिली के साथ जाइए, बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू सो मच। द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज ओनली वन, दैट इज किच्चा सर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। किच्चा मेन, बाकी सब कच्चा। I think Kichcha sir has managed to make the film okay, so people should go to watch the film, and in fact Kichcha sir ko to miss karna nahi chahiye. Bhai ke shirts best, bhai is not looking so attractive without shirt, but with shirt all his shirts are fabulous. और इसमें सही मान जाकर खुशी बनी है जो कि, और रजो किसके साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है? दोनों के साथ में वो सई मांजरेकर जो है वो थोड़ी सी शाय लग रही है, और शी हैज़ टू वर्क ऑन एक्सप्रेशंस अ लॉट, अभी तो उसका ये डेब्यू मूवी है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और वो रज्जो सोनाक्षी तो एज यूजुअल, देयर इज नो होप फॉर एनीथिंग दैट शी कुड डू इन द फिल्म। आई मीन सलमान खान मूवीज लाइक भाई द मेन, बाकी साइड में तो कोई भी आ जाए, उनका भाई भी आ जाए तो साइड किक ही लगेगा। अच्छा, तो आपको लगता है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी? ऑफ कोर्स, पूरा अभी क्रिसमस का वीक पड़ा है तो लोग तो आएंगे फिल्म देखने के लिए, और भाई का बर्थडे भी आ रहा है तो लोग उनके लिए भी आएंगे। और क्या रीज़न? तो फेस्टिव टाइम है, खान्स की फिल्म है, मेन बात ये है, और भाई का बर्थडे है, भाई के इतने फैंस हैं तो सब लोग आएंगे। क्रिसमस का टाइम है, कोई घर पे बैठ के कुछ करेगा नहीं, तो इतनी बड़ी फिल्म लगी है, लोग ये फिल्म देखने ही आएंगे। जाते जाते क्या कहेंगी लोगों को? दबंग देखने जाओ, किच्चा सर को मिस मत करना, भाई के शॉर्ट्स मत मिस करना। तो दोस्त, चुलबुल पांडे आ गए हैं, फिल्म आ गई उनकी, तो कैसे स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने कहा स्वागत तो करो हमारा। एग्जैक्टली, स्वागत तो करो हमारा भाई, हमने तो आपको स्वागत कर दिया है, नो डाउट भाई। हम लोग कब से वेट, मैं तो साला रात को सो नहीं रहा था, रात को मैं मतलब सुबह 4 बजे सो गया मैं। अनफॉर्चुनेट मैं ट्रेलर देख के मैं बोला आ रही नींद नहीं आ रही, साला कब शो लगेगा, कब शो लगेगा, किधर आऊँगा। लग गया शो, देख लिया भाई, सेटिस्फाइड हो गया मैं भी। तो पैसा वसूल है, लेकिन भाई थोड़ा गलती हो गया आपसे भी, क्योंकि आपने स्क्रीन पे लिखा डायलॉग, मतलब स्टोरी भी आपने ही लिखा, स्टोरी भी आपकी है, क्योंकि ऐसा बोल रहे थे कि ये भाई सीक्वल है, लेकिन ये सीक्वल तो मुझे नहीं लगा, ऐसा लग रहा है कि ये प्रीक्वल है, मतलब जो पूरा पूरा पीछे डाल दिया आपने स्टोरी, मतलब जो अंदर की जो बात थी जो ये एंड ऑल, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन थोड़ा कभी कभी समझ में भी आ जाता है, हाँ कि ये इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। बींग अ भाई फैन आपने कितनी तालियां, कितनी सीटियां बजाई। मैं तो मेडिकल जाना पड़ेगा, विक्स की गोली लेना पड़ेगा, घसा बहुत दुख रहा है, गला बहुत दुख रहा है मेरा, आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, बहुत चिल्ला रहे थे, क्योंकि जो मुन्ना बदनाम हुआ सॉन्ग आया, स्टेप करके दिखा सकते बाप, नहीं बाप, मेरे को नाचना नहीं, ऑनेस्टली बताया मेरे को नाचना नहीं, लेकिन जो स्टेप था ना, जो ऐसे ऐसे करके जो स्टेप,
सुपरली. वरीना हसन को कोई नहीं देख रहा था भाई, सब लोग सलमान भाई को देख रहे थे. इनफैक्ट मे बी सीरियसली भाई, सलमान भाई ने तो बाप रे बाप. ईद में तो ईद ही दे दी, क्रिसमस में क्रिसमस जिंगल बैन भी दे दिया हम लोग फ्री में. अच्छा. और देखा जाए तो इस फिल्म में चुलबुल पांडे का पहला प्यार खुशी है, जो कि सही मांझ रहे हैं. वो कैसी लग रही थी उनके साथ? और रज्जो कौन सबसे ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा था? अभी बताने गए तो हम लोग रज्जो को भूल गए भाई. सही मांझ रहे कर जो आई ना, उनकी क्यूटनेस, उनका ग्लैमर, उनकी एक्टिंग वाइज. चलो अभी डेब्यू मूवी है तो अब लोग चलो समझ के ले सकते हैं, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को फीका पड़ दिया यार, सीरियसली बता रहा हूँ. फीका कर दिया भाई. सही मांजरेकर ने जो डायलॉग डिलीवरी भी थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रही है बच्ची जैसी बात करती है. नो डाउट उनका एज भी 20 या 21 ही रहेगा, तो इसलिए थोड़ा छोटी लग रही थी. सलमान खान से थोड़ा छोटी लग रही थी, बट एक्टिंग वाइज ओके. अच्छा, सलमान खान यंग वाले ज़्यादा अच्छा लग रहे थे या फिर हमारे जो चुलबुल पांडे? नहीं भाई, चुलबुल पांडे यंग भाई, ऐसे लग नहीं रहे थे. वो यंग है, वो टोटली चुलबुल लग ही रहे थे. उनका जो पहला नाम भी समथिंग उनका पहला नाम भी है उस भाई सही मांझरेकर ने उनका नाम रखा चुलबुल. मतलब जो पब्लिक ने जो चिल्लाया ना, कान भरे तो हो गए, मेरा भी गला बैठ गया भाई. सीरियसली बता रहा हूँ. क्या लगता है फिल्म ब्लॉकबस्टर धमाल मचाएगी बॉक्स ऑफिस पर? धमाल तो ऑब्वियसली मचा देगी, क्योंकि अभी तक 1 वीक है, उसके बाद गुड न्यूज़ आ रही है. अभी पता नहीं अक्षय कुमार का भी स्टार्डम कम नहीं है भाई, क्योंकि चलो ठीक है हो जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से पिक्चर चल जाएगी, आराम से चल जाएगी. क्योंकि आज का कलेक्शन भाई समझ के चलो 30 से 35 के बीच में ही होने वाला है. और सबसे पहली बात, अभी जो दबंग फ्रेंचाइज की जो मूवी है, जो हर वक्त विलन्स दिखाते हैं, उन दोनों का विलन्स में भूल गया, किच्चा सुदीप ने आग लगा दिया. पूरा पर्दा फाड़ दिया उसने तो. मतलब जो एंड का क्लाइमेक्स पे भाई के बाद कोई था तो मतलब बापरे कट्टर देने, मतलब एक बोला टक्कर देने वाला एक आदमी आ गया. किच्चा सुदीप ही है वैसे सलमान खान के लिए. जो हम लोग बोलते हैं कि सलमान खान को क्यों मारा, आज हम लोग ऐसा लग रहे थे कि विलन सलमान खान को मारा, हम लोग को ऐसा इतना लग नहीं रहा है. हाँ, लेकिन बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि अरबाज खान, मतलब ऐसा एक सीन है उसमें कि अरबाज खान सलमान खान को चप्पड़ मार देता है. मतलब सब लोग पब्लिक सब लोग चिल्ला रहे, मतलब क्यों, मतलब सलमान खान दूसरे को मार सकते, लेकिन सलमान खान खुद मार, मतलब मार खाए तो ऑडियंस उन लोगों को मार देती है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. तो 5 में से कितना देंगे? 5 में से 3.5, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलती भी है, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्टिंग वाइज भी बोल सकते हैं. डायलॉग्स भी बहुत अच्छे, डायलॉग्स भी इतने शानदार डायलॉग्स है कि बस रे बस. लेकिन हाँ, बीच बीच में सलमान खान को मार रहे थे, सलमान खान हाथ जोड़ता है, वो थोड़ा फीका पड़ने से वजह से थोड़ा हम लोग ने बोल दिया कि भाई चलो 3.5 दे देते भाई मूवी के लिए. रिकमेंड करेंगे? अरे ऑब्वियसली भाई, फैमिली एंटरटेनिंग है भाई. सलमान खान तो मास एंटरटेनिंग के लिए जाने जाते हैं यार, कम ऑन जाओ तुम लोग. मैं तो भाई वापस जाने वाला हूँ भाई, मैं शाम को, रात का शो है मेरा भाई, रात का शो है. ऑनलाइन टिकट बुक कर दिया, आप भी बुक कर दो सलमान खान को देखने जाओ, क्योंकि भाई बर्थडे भी आ रहा है, बर्थडे के ट्रीट भी समझ के आप दे दो, क्योंकि बर्थडे भाई ने तो हम लोग को पहचानते नहीं, फिर भी हम लोग गिफ्ट दे दिया. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.